इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार जशपुर रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाठनी नागपुर, रजत मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। हर कदम पे बाबा तेरा साथ चाहिए, 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 सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तेरे प्यार की सौगात चाहिए, हर कदम पे बाबा तेरा साथ चाहिए, हर कदम पे बाबा तेरा साथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तेरे साथ की सौगात चाहिए, हर कदम पे बाबा तेरा साथ चाहिए, हर कदम पे बाबा तेरा साथ चाहिए। बोलिए अष्टम तीर्थ सिंध प्रभु भगवान की, बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, केवल ज्ञान ज्योति की, उपस्थित महानुभाव आप सभी का हम चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पर्वत पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। आप जिस जिस शहर से पधारे हैं आप सभी का हम चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पर्वत पर लाल और पीले पाषाण के मिश्रण से आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भारत का अद्वितीय मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप सभी के ऊपर मंदिर देखने के लिए, निर्माणाधीन मंदिर को देखने के लिए कार्यालय के सामने से वाहन जाता है, आप उसमें बैठकर निःशुल्क उसकी व्यवस्था की गई है, आप मंदिर का अवलोकन करें और उसे देखने का सौभाग्य प्राप्त करें। मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती है। बिना सीढ़ियों के मंदिर पहाड़ी पर बनने वाले इस मंदिर पर चढ़ना असंभव है। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पिछले एक सवा महीने से ही आशीर्वाद मिला और द्रुत गति से मंदिर की सीढ़ियों का कार्य चल रहा है। आने वाली पीढ़ियां चढ़ेंगी जब ये सीढ़ियां, और जब उन्हें ज्ञात होगा इस सीढ़ियों का निर्माण उनके पिताजी ने, नाना जी ने, काका जी ने, ताई जी ने, फूफा जी ने किया, तो कितने इतिहास में गौरव की बात होगी। इतिहास के गौरव से यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी सरोवर योजना से जुड़ते चलें। एक शिला जिसकी सीढ़ी सरोवर की जिसकी निछावर राशि 21,000 रुपये है, आप अपना सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आपके नामों को हम सम्मान आमंत्रित करेंगे। यदि आप मंदिर के निर्माण से जुड़ने की बात करते हैं, आपके द्वारा कोई भी स्वीकृति इस मंच तक प्राप्त होती है, हम आपके नामों को सम्मान आमंत्रित करेंगे। मैं राजिम से पधारे किशोर जी सिंघई, अध्यक्ष जैन समाज राजिम, वहां से पूरी बस आई है, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप आए आचार्य भगवान के ससंग श्री चरणों में, नहीं सभी लोग नहीं, दो लोग आएंगे, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। संतोष जी बिलेरा पंच कल्याणक समिति सागर के अध्यक्ष, आपका भी स्वागत है। वर्धमान कानोली पंच कल्याणक समिति, तालियां बजाकर एक दूसरे का अभिनंदन करें। जब आपका भी नाम आए तो पूरा सदन आपके सम्मान में तालियां बजाना चाहिए। हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार, हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार, हम पर सदा बरसता बाबा रहे तुम्हारा प्यार, के सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। रमेश भाई साहब, चाचा जी महेश भाई साहब,
और बिलारा परिवार से संतोष भाई साहब, तीनों से हमारा निवेदन है, सब परिवार आप बिलारा परिवार आए, आचार्य भगवान के सत्संग से चरणों में श्री फल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। उसके पहले जिन्हें सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय राजा भैया सागर से पधारे हैं, आप लोग सब परिवार आए हैं, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राजा भैया सागर भाभी जी आ जाएं शीघ्रता से। आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिनवाणी, आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिनवाणी, हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिनवाणी, हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिनवाणी, जिनवाणी जय हो तेरी जय हो जिनवाणी, जिनवाणी जय हो तेरी जय हो जिनवाणी। राजा भैया सागर परिवार ने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले चंद्रगिरी में सहस कूट में बेदी और छत्र चंबर भामंडल के लिए आज पुनः 151,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। अशोक जी जैन, मनोज जी जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट सूर्य नगर गाजियाबाद, आपने भी चंद्रशिला से जुड़ते हुए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तालियां बजाकर अनुमोदना करते चलें। दान देना और दान की अनुमोदना करना दोनों समय पुण्य की प्राप्ति होती है। अरविंद वैद्य जी मयंक सोगानी भीलवाड़ा से पधारे हैं, आपने भी चंद्रगिरी मंदिर निर्माण में दान के माध्यम से अपनी स्वीकृति दी है, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राजिम से महिला मंडल पधारी है, शायद सभी लोग अपने स्थान से आ जाएं, दो दो व्यक्ति, और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नाम बोलते चलो, बोलो बोलो नाम बोलो, आप बोलिए। हेलो, बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिराज की जय, चंद्रगिरी के चंद्र प्रभुवाहन की जय। सागर के वर्धमान कॉलोनी के जो पंचकल्याणक हो रहे हैं उसमें जो भी महापात्र यहाँ पे उपस्थित हैं वे सभी आकर महाराज जी के चरणों में श्रीफल भेंट करें। एक एक का नाम क्रम बिगड़ जाएगा इसलिए नाम नहीं बोल रहा हूँ, जितने महापात्र हैं क्रम से आ जाएं। जय जिनेन। छत्तीसगढ़ के राजिम से बस पधारी आप सभी का चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर स्वागत है, वंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। हम सब मिलकर, मेरी आवाज जहां तक जा रही शीघ्र अतिशीघ्र पांडाल में बैठक व्यवस्था अनुसार अपना स्थान ग्रहण करें। हम सभी को आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक भजन। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा, ऐसा दो वरदान के फिरना, ऐसा दो वरदान के फिरना पाऊं जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। रोम रोटे गांव से पधारे सभी जैन समाज के श्रावकों से हमारा निवेदन है, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बालाघाट जैन समाज से पधारे सभी लोगों से निवेदन है, अपने स्थान से खड़े होकर नमन करने का आशीर्वाद प्राप्त करें। रायपुर जैन समाज से भी पधारे सभी लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ आज आचार परमेष्ठी की सामूहिक पूजन करने का हम सभी मिलकर सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की देंगे ना। हो दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, हो दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, हो दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान
ऐसा तो राम मेरा है, हो मेरे गुरुवर का नाम जपना अब तो काम मेरा है, हो मेरे गुरु का नाम जपना अब तो काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तो राम मेरा है, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा, जय नागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभो सटावानंद, जय हो जय हो जय हो, अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो, अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हो, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हो। ओम रीम श्री 108 विद्यासागर मनेन्द्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय, जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है, चंदन सम शीतल तापाने अब शरण आपकी आया हो, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हो। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय, संसार ताप विनाश नाय, चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय, अक्षय प्राप्त आये अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा भी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय, काम बाण विध्वंसनाय, पुष्पम निर्पामिति। इस शोधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ, मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊं। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय, क्षुधा रोग विनाश नाय, नैवेद्यम निर्पामिति। वो पत्थर को मोती कह दिया, पत्थर को मोती कर दिया एहसान तेरा है, पत्थर को मोती कह दिया एहसान तेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, हो मेरे गुरु का नाम जपना अब तो काम मेरा है, हो मेरे गुरु का नाम जपना अब तो काम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इसे हाथ रहा बस पछताना, यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की भांति से मम अंतर दीप जला देना। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय, महामोहांधकार विनाशनाय, दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था, शुभ अशुभ कर्म सब निपुतल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय, अष्टकम दहनाय, धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को
ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय महामोक्ष प्राप्त है फलम मिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना पाता है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय अनर्घ प्राप्त है अर्घम मिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगेश्वर, हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय अनर्प प्राप्त है जय माला पूर्णार्गम निर्पामिति स्वाहा। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज तपस्वी मुनिराज चंद्रप्रभ सागर जी महाराज के चरणों तक निवेदन करते हैं कि हे साधु परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की, बोलिए चंद्र प्रभ सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाजो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्मानम् जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम्। बोले अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, चौबीसों भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, थोड़ा सा बोले अभी आप लोग सभी भक्ति कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, अपने में मग्न थे, आप लोग गीत गाने वाले गा रहे थे, बजाने वाले बजा रहे थे, और आप लोग अपने में ही मस्त थे। भक्ति करने से क्या होता है, आचार्य ने दिया है शास्त्रों में, भक्ति करने से भक्ति ही भक्ति करके भगवान बनता है। कहते लोग आप नियम करो, व्रत करो, संयम ले लो, त्यागी बनो, तपस्वी बनो, इससे कल्याण होगा, लेकिन हमारे आचार्य ने कहा इससे नहीं होता है। किससे होता है? गोमर सर में दिया है। तो आचार्य ने कहा भक्ति है, भक्ति से व्यक्ति भगवान बनता है, ये बाकी नियम होते भी उसके साथ भक्ति आवश्यक है। भक्ति का महिमा क्या है? तो आचार्य ने कहा भक्ति करने से कषाय मंद हो जाते और उसका फल अपने आप ही मिल जाता है। जैसे आप बचपन में आप लोग बच्चे थे, बच्चे के साथ खेलते थे, बड़े हो गए, बड़े के साथ खेलने लगे, अरे आज आप लोग भक्ति कर रहे हैं तो भगवान के साथ खेल रहे हैं। आचार्य ने यह कहा, महाराष्ट्र में गए थे हम लोग, वहाँ एक कहावत है, खेल खेलावे धर्माचे, खेल खेलना है, धर्म का खेल खेलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो भक्ति का महिमा आचार्य कहते समय सिद्धांत शास्त्र के प्रस्तावन में गुरे दिया है, धवला के प्रस्तावन में गुरे दिया है, किताब हो सकता है तीसरी किताब में गुरे 42 नंबर का सूत्र है, उसमें दिया, पूजा करते समय, अर्चना करते समय, भक्ति करते समय कोई विधान कर रहे हैं आप लोग, मतलब सिद्ध चक्र विधान है, इंद्रध्वज विधान है, कल्पद्रुम विधान है, सर्तोभद्र विधान है, शांति विधान है, और पूजा कर रहे हैं,
नित्य नैमित्तिक भी पूजा है, पंचकलनिक है, और भी करते हैं, उसमें नाचते रहते हैं आप लोग, भक्ति करते क्या नहीं? तो भक्ति करते में क्या करते हैं? उस समय अर्घ चढ़ाते आप लोग भगवान के लिए, अर्घ चढ़ाते अनर्घ फल प्राप्त है अर्घ्यम, इसका मतलब हमें वो पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए? दोबारा संसार में नहीं आना है, मुक्ति चाहिए हमें। किससे मुक्ति चाहिए? संसार से मुक्ति चाहिए। चढ़ाते आप लोग, लेकिन उसको चढ़ाते समय मस्तक पर लगा करके चढ़ाना चाहिए, ऐसा का शास्त्र में दिया आचार्य ने। मस्तक को लगा करके आप लोगों चढ़ाना चाहिए। तो इसको जो चढ़ाते हैं इसको अर्चना कहा, जो पूजा करते हैं इसको अर्चना कहा। इस भक्ति से, भक्ति के माध्यम से वो जो अर्घ चढ़ा रहे हैं, मस्तक लगा चढ़ा रहे, इसका अर्थ क्या है? उस समय बोलते भी आप लोग एक शब्द, कई बार बोलते हैं बलिहारी गुरु देव की। गुरु भी देव है, पांच परमेश्वर है, सबको देव कहा। अरहंत देव है, सिद्ध देव है, आचार्य भी, उपाध्याय भी, और साधु भी देव है। कहाँ दिया? मूलाचरण में दिया, 1006 नंबर का आता है श्लोक, उसमें दे सकते हैं आप, उसमें जो भी देव कहा। तो आप बोलते समय क्या बोलते हैं? बलिहारी गुरुदेव की। तो इसमें विचित्र शब्द आया बहुत, कौन सा आ गया बताओ आप लोग? बलिहारी गुरुदेव की, इसमें बहुत विचित्र शब्द है। वो नहीं है, ये शब्द बताया, इसी में से बलि शब्द आ गया। बलि का अर्थ क्या होता है? महाबली नहीं बलि का अर्थ क्या होता है? तो उसमें धवला में दिया, जब अर्घ चढ़ाते आप लोग मस्तक पर लगा करके ये चढ़ाना, हे भगवान हम आपको अपने सिर पर धारण करते हैं, ये बलि शब्द का अर्थ है। सुन रहे क्या ना आप लोग? जब भी आप चढ़ाओगे मस्तक को लगा करके उसको चढ़ाना है, हे भगवान हम आपको अपने सिर पर धारण करते हैं। क्यों क्यों धारण करते हैं? आप महान योगी है, योग साधना किया आपने, योग के माध्यम से आप मुक्त हो गए, इसलिए हम आपको सिर पर धारण करते हैं। जब भी चढ़ाना है आप लोगों को सिर पर धारण करके ही चढ़ाना, मस्तक को ला करके अर्घ्य चढ़ाना, बार बार चढ़ाते भी ऐसे करना चाहिए, ये भावना भाया जाता है। अपने जैन सिद्धांत में शास्त्रों का भंडार है, सबको आसानी से जो भी बताना बहुत कठिन हो जाता है, एकांत से वर्णन करने से भी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, भ्रम में व्यक्ति भटक जाता है, और उसमें सही गलत को जानते हुए भी पद्धति में जो परंपरा में आ गया, अपने प्रचलन में आ गया, उसको छोड़ता नहीं। तो छोड़ने के लिए शास्त्र पढ़ना है, गलती को छोड़ने के लिए, हमारे जो दोष है दोष को दूर करने के लिए शास्त्र पढ़ना, पूजन करना, अर्चन करना, भक्ति करना, ये आ जाते हैं। मन प्रसन्न हो जाता है, निर्मल हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है, उसके लिए करना है। फिर उस स्थान पर आने के बाद यदि आप लोगों का परिणाम गड़बड़ हो रहा है तो गलती किसकी है? स्वयं की गलती है। तो आचार्य ने कहा दूसरों गलती को देखना नहीं, अपने को अपनी गलती को सुधारना यह धर्म है, दूसरों गलती दिखाना यह धर्म है। आपका उपगुण अंग है, उपगुण अंग है, ये क्या है? दूसरों को दोषों को ढाको, अपने दोष को उजागर कर दो, अपने गुणों को जो ढाको दूसरे गुणों को उजागर कर दो। गुणों के बारे में बताओ लेकिन व्यक्ति गुणों के बारे में बताता नहीं। ये पूजा उसी के लिए, गुणों की पूजा होती है, पूजा गुण कर रहे। और क्या बोलते हैं आप लोग? वंदे तद्गुण लब्धे, वो गुणों की हमें प्राप्ति हो, बोलते क्या नहीं? तत्वासुर पढ़ते आप लोग, उसमें भी, और यहाँ भी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं,
वो गुण हम में आ जाए, और गुण तो आ ही नहीं रहा, और दूसरे को दोष के ऊपर आप टूट पड़ रहे, तो आपके अंदर भी दोष आएंगे। जिसके संगत करोगे आप वही आपके सामने आएंगे। इसे भ्रम दूर करने के लिए आचार्य ने कहा भव्य अभव्य दो प्रकार जीव है संसार में, दो प्रकार के। अभव्य दीक्षा लेता है वो भी धर्म करता है, ग्रेव तक जाता है, अमिंद्र बन जाता है, लेकिन वो भोग के लिए कर रहा है, वो भोग के लिए कर रहा है, संसार के लिए कर रहा है, लेकिन कर्म जग के लिए नहीं करता। उनका भक्ति संसार के लिए, वो भक्ति है भक्ति नहीं है, वो भुक्ति के लिए है। सुन रहे क्या नहीं, आ वो करते रहते हैं, ये सभी संसार के लिए भुक्ति के लिए कर्म जग के लिए नहीं करता। लेकिन जो भव्य है वो जो श्रावक बने अथवा साधु बने कर्म जग ले करता है। साधु बनने के बावजूद भी वह उपशम श्रेणी आरोहण करता है, मोक्ष जाने तक चार बार आरोहण कर लेता है, एक जीवन में दो बार कर सकता है, और चौथी बार वह क्षपक्षिणी चढ़ करके भगवान बन जाएगा, क्योंकि उनकी भक्ति लगाओ उसमें, अपने भक्ति में लगाओ, गुणों की भक्ति में लगा हुआ है, गुणों की पूजा में लगा हुआ है, उसकी अर्चना में लगा हुआ है, तो वो उसको हासिल कर लेता हो, प्राप्त कर लेता है। उनको किसने दे दिया भगवत पद, किसने दिया, किसने दिया नहीं, खुद ये प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार आज नहीं तो कल कोई व्यक्ति हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, जो भव्यदि है वो गुणों की जो भी पूजा करता है, गुणों की प्रशंसा करता है, गुणों की भक्ति करता है, उस भक्ति के माध्यम से एक दिन वह भगवान बन जाता है। ये बाकी जो भी निमित्त है, जब तक आप स्थिर नहीं हो पाते तब तक निमित्त को लेकर के अपने परिणाम को विशुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, निर्मल परिणाम के द्वारा आप जो भी अपने पद को प्राप्त करो, अपने आत्मत्व को पवित्र बनाओ। ये भक्ति के माध्यम से शुभ परिणाम है, धर्म के माध्यम से आत्मा पवित्र होता है। आत्मा पुयति अनयति पुण्यम, सर्वशुद्धि में दिया आत्मा को जो पवित्र करता है वो पुण्य, पुण्य क्या है, शुभ पुण्य से अशुभ पाप से, वो पुण्य ही धर्म है। दम्यने परिणत अप्पा अप्पा समझे, प्रवचन सार में दिया धर्म से परिणित आत्मा वही जो भी शुद्ध है तो मुक्ति प्राप्त करेगा, यदि शुभ है वही वो प्राप्त करेगा, तो वो धर्म से परिणित आत्मा क्या है, वही धर्म है, तो शुभ धर्म है, ये भक्ति करे ये शुभ है, इसके माध्यम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अभी आप लोग जब भी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, सामने जो भगवान के सामने अथवा भगवान प्रतिमा सामने रख करके गुरु के सामने आप करते हैं ना पूजा अर्चना, करते हैं क्या नहीं करते हैं, सामने रख कर क्यों करते हैं आप, उसका क्या कारण है, ये भक्ति करने के क्या कारण है, तो इसलिए आचार्य ने कहा सामने आप जो देख रहे भगवान है, गुरु है, जो भी है, पहले वो भी ग्रस्त थे, बाद में श्रावक बने, उसके बाद मुनि बने, उसके बाद अरिहंत बने, उसके बाद सिद्ध बने, सुन रहे कि नहीं आप लोग, उसी प्रकार आप भी ग्रस्त हैं, श्रावक बने, उसके बाद मुनि बने, अरिहंत बने, उसके बाद सिद्ध बनना है, हमें भी इसी मार्ग से जाना है। तो ये अपने को जो भी स्मरण करने के लिए भगवान को सामने रख करके प्रतिमा अथवा उनके सामने पूजा अर्चना हम करते हैं। यहाँ चौका लगा रहे आप लोग, भक्ति ये भी भक्ति आपका नवदा भक्ति सात गुण है क्या नहीं, तो चौका लगा रहे पड़गल कर खड़े रहते हैं, ओ स्वामी नमस्तु नमस्तु नमस्तु, मास्त वर्ष देखते इधर देखते हैं तो जोर चिल्लाते हैं ओ स्वामी नमस्तु नमस्तु, इसका मतलब महाराज हमारे ऊपर देखो थोड़ा सा, कम से कम निहारो, दिक्कत नहीं है क्या, दिक्कत नहीं है, अरे भाई आप ही को देख रहे हैं ना, महाराज कहाँ देख रहे हैं, आप ही को देख रहे हैं, फिर भी आप लोग जोर चिल्लाते रहते हैं, ये भक्ति आपका। उस समय आप साथी से पुण्य का बंद करते हैं, ध्यान रखो, क्योंकि सारा संसार भूल गया, अब महाराज आएंगे, आएंगे हमारे चौके में, आएंगे हमारे चौके में, आएंगे
भले आए ना आए लेकिन आपके मन में भाव तो रहता है। महाराज एक चौकी में जाएंगे और आने के बाद आप प्रणाम करके ले भी जाते, खुश हो जाते, उस समय संसार भूल जाते, कौन है क्या है देखते नहीं। आइए आइए महाराज, आइए महाराज, आइए घर चौकी में ले जाते आप लोग और वहाँ आर भी देते। आर देते समय देखो आजू बाजू कौन है खबर नहीं। महाराज जी हमारे यहाँ से एक ग्रास एक ग्रास एक ग्रास ले लो महाराज जी ले लो, बोलते रहते। और बाद में क्या कहते, महाराज हमसे नाराज ले नहीं रहे, तो हमसे हमारे हाथ से नहीं ले रहे, हमारे हाथ से नहीं ले रहे। उस समय हमें शंका होती है, वहाँ हमें लगता है हम किसके हाथ से ले रहे हैं, अपने हाथ से तो नहीं ले रहे हैं, आप ही दे रहे। इतना भक्ति में वो मगन हो जाता है, साथ ही से पुण्य का बंध करता है। ये भक्ति का महिमा है। आप लोग जो कर रहे हैं पूजा अर्चा सभी, आपका समय तो हो गया, समय तो ज़्यादा समय लेना ठीक नहीं आप लोगों का, क्योंकि आप लोग बोलते रहते हैं महाराज समय है कहाँ, मरने के लिए समय नहीं है। जो मरने का समय नहीं, इसका मतलब मरोगे नहीं, आज जब मरेंगे मरेंगे, अभी समय है कहाँ। इसलिए वो जो भक्ति में दंग हो जाता है पुण्य बंध करता है। करोड़ों रुपये दान करने के बावजूद भी पुण्य लगता नहीं है, उतना पुण्य आप आर के समय पूजा के समय कमाते हैं आप लोग। ये महिमा भक्ति की है, क्योंकि क्षण पे संगति अतिरेका भवंती भरना तरवे नौका। क्षण के लिए साधु संगत करते हो, भगवान संगत करते हो, मंदिर में जाकर बैठते हो, तो संपूर्ण संसार तर करके चले जाते हो। एक नौका है, नौका में तो नाव नाव है, नौका है तो नहीं, एक मौका है, एक मौका इसलिए है क्योंकि मनुष्य पर्य में आप आ गए, जैन कुल में आ गए, पुरुष पर्य मनुष्य पर मनुष्य पर आने के बाद आपके लिए देव शास्त्र उपलब्ध हो गए, गुरु भी उपलब्ध हो गए। ये नौका इतना नहीं, मौका भी, इसको छोड़ना नहीं, जितना हो सके उतना। और आपके योगायोग से समय आपका कितना पुण्य है, मान गुरु जी भी आपके यहाँ चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में विद्यमान है, चार महीने हो गए अब समाप्ति कर रहे, कितने दिन बच गए निष्ठापन के लिए। आज 7 तारीख है, 12 तारीख समापन है, 5 दिन बच गए, 4-5 दिन बच गए, लेकिन 4 महीने तो आप लोगों ने लाभ उठाया, भक्ति किया, और जो बचा हुआ उसको भी जब तक है तब तक भी अपने को छोड़ना नहीं। और गुरु जी बाहर जाते भी हैं तो भी अपने को भगवान को छोड़ना नहीं, भगवान तो ही है, भक्ति करना, भक्ति को छोड़ना नहीं, ये कहा जा रहा है। भक्ति के माध्यम से आपका रास्ता सीधा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सरल बनेगा, उसके माध्यम से मंजिल तक आप पहुँच सकते हैं। मंजिल तक पहुँचने के लिए एक ही रास्ता है, ये देव शास्त्र गुरु माध्यम है, ये निमित्त है, लेकिन आप खुद भक्ति करोगे तभी मंजिल तक पहुँच सकते हैं, अन्यथा जो दूसरा कोई मार्ग यहाँ नहीं है। और आप लोग प्रतिदिन कर रहे हैं भक्ति, उस भक्ति के माध्यम से आप सब लोग का कल्याण हो, क्योंकि समय तो हो गया, ज़्यादा समय लेना ठीक नहीं है, बार बार आपका समय लेना ठीक नहीं, जितना समय है उतने समय में ही करना चाहिए। हम आप लोगों का समय ज़्यादा लेंगे नहीं, क्योंकि हम भी थोड़ा सा यहाँ आने के बाद समझने लगे धीरे धीरे, क्योंकि समय को विशेष रूप से उपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पहले तो समझ में आता नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। जितना है समय उतने समय में अपने जो भी कार्यक्रम भी पूर्ण करना चाहिए, उसी प्रकार आप लोग भी भक्ति करते हुए आगे आगे बढ़े, और इस भक्ति के माध्यम से आप लोगों को भी कल्याण हो, आपके भगवत पद को प्राप्त करें, आपका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। इसी भाव के साथ बोले महावीर भगवान की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक करे सदा देत हूँ रोग, हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख जैन।